हरियाणा के टाबर ई मूर्ति बनाना सीखेंगे। मूर्ति भी मंजे उड़े शिल्पकारा दो रहे मारे कमाल के बालका खातर सरकार ने कसूता कमाल कराया। इब टाबर उत्सव में मारे बालक मूर्त बनाना सीखेंगे। जब बात करा आजकल के बालका की तो आजकल के बालका ने फोन ते फुर्सत को नहीं। पहले बालक छुट्टिया की बाट देखा कर दे, बाट देखा कर दे नाना नानी का जान की, बाट देखा कर दे बाहर घूम की आन की। लेकिन ईब माहौल कतिये बदल गया। ईब नाना नानी का तो के बालक पड़ोस में भी कोनी जा, सारा दिन फोन में बड़े रहे। लेकिन ईब ये फोन में तभी लिकड़ेंगे और घर ते भी लिकड़ेंगे, क्योंकि ईब का सरकार ने छुट्टिया में इन खातर एक कैंप लगाया है। सरकार इन खातर ले आई है टब्बर उत्सव 2023, जिसमें बालक छुट्टिया का तो मजा लेंगे, गेल की गेल मूर्त बनाना भी सीखेंगे। स्कूल में पांचवी तो लेकिन अब बारहवीं क्लास की पढ़नी है बालका खातर 30 दिन का गर्मिया का एक कैंप लगाया है, जिसका नाम से टब्बर उत्सव 2023। सिरसा के गांव नुयाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक के बालका ने टब्बर उत्सव में आधुनिक मूर्ति बनाना, क्ले मॉडलिंग, रिलीफ एवं 3D कल्चर आर्ट में हरियाणा संस्कृति पर आधारित प्रशिक्षण दिया जान लग रहा है। इस कैंप में बालका ने बहुत किमी सीखने ने मिलन लग रहा है, और सीखने ने नहीं अपनी संस्कृति ने भी समझने का मौका मिला है, और मौका मिला है खुद ते मिलन का, मोबाइल ते थोड़ा सा दूर रहने का। इससे बालका ने बेरा पाटेगा सोशल मीडिया ते न्यारा भी एक समाज हो है, जिसके विकास की जिम्मेदारी भी मारी हो है। यो काम करया है कला एवं संस्कृति कार्य विभाग हरियाणा एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में स्कूल में पांचवी क्लास से बारहवीं क्लास के बालका खातर। यो प्रोग्राम हरियाणा के 22 जिले के 22 सरकारी स्कूल में होने लग रहा है। इससे कड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नुयावाली सिरसा में यो टब्बर उत्सव कैंप चलन लग रहा है, जिसमे बालक कई डाल की कलाकृति बनानी सीखने लग रहे हैं। तमने बताया दें आड़े टब्बर उत्सव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर और महानिदेशक अमित अग्रवाल, शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अंसद सिंह के मार्गदर्शन में हृदय प्रकाश कौशल, कला एवं सांस्कृतिक अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी अमनदीप कौर की देखरेख में यो कैंप आयोजित होने लग रहा है। ट्रेनर रवि नासान ने बताया कि टब्बर उत्सव 3 जून तक चल रहा है। इसमें बालका ने सिखावांगे कि आर्ट के ओहर कला के ओहर। गांव वाले बालका ने इस चीज की थोड़ी सी घाट नॉलेज से, जहाँ तक सरकार ने फैसला कराया है कि हरियाणा के 22 जिले में यो प्रोग्राम चलाया जाएगा। इससे कड़ी में सिरसा जिले के गांव नुयाली का सरकारी स्कूल में यो टब्बर उत्सव का कार्यक्रम आयोजित होने लग रहा है। आगे उन्होंने बताया कि रोजाना इस कार्यक्रम में 50 बालक भाग ले। इस कार्यक्रम में लो दो के बालका का कसूता रुझान बन रहा है, इसमें कोई भी बालक भाग ले इसके। यो एक कारण है कि इस प्रोग्राम ने लेके बालका में इतना उत्साह बन रहा है। आगे उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम में बालक हमने कति फ्री छोड़ रखे हैं, आओ और अपना मनमानी करो, क्योंकि छोटे बालक मनमानी करके खुश हैं। और हमारा तो मकसद यो है वो मनमानी करेंगे जिद्दे तो उनके भीतर की कला बाहर आओगी। हमारा काम से सिर्फ बालका ती सामान उपलब्ध करवाना, एक बार उन्हें सामान दे दे हाँ फिर पाछा वो किमी करो चाहिए। इससे बालक बहुत किमी सीखने लग रहे हैं, और जो दिमाग में कई नेगेटिविटी है उनते भी दूर होने लग रहे हैं। और इस कैंप तक सीख की नया जब बालका का रुझान बना है तो आगे चाल की वह कला के क्षेत्र में अपना करियर भी बना सके। इस टब्बर उत्सव में जो बालक भाग लेने लग रहे हैं वह बहुत खुश हैं, और खुश हो भी क्यों नहीं, कैंप में अपने मन की जो करे हैं और खुल की रहे हैं, सीखने भी मिला है, घूमन फिरने भी मिला है और अपने दोस्तों में रहे हैं। बालक इतने राजी हो रहे हैं कि वो नुकरण लग रहे हैं, भाई इस तरह का कैंप तो हर साल लगना चाहिए। घर न जाके ना हम तो अपने माँ बाप ने भी बतावा हाँ आज हमने के करियर के बनाया, हमारे डाल डाल की चीज बना बना देखा। स्कूल के प्रिंसिपल राजकुमार ने बताया कि कला संस्कृति कार्य विभाग हरियाणा और माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नुयावाली में यो 30 दिन का कैंप ला रखा है। यह हरियाणा सरकार की एक बहुत बढ़िया पहल से। आगे उन्होंने बताया कि गर्मिया की छुट्टियां में बालक निन्न उन्ना एंड की अपना टेम खराब कराया कर दे, लेकिन सरकार ने टब्बर उत्सव चलाया कि ने ऐसा काम कर दिया कि इस टेम का भी सदुपयोग हो गया, और आड़ आकी ने बालक किमिन किमी सीख की जा है। स्कूल में तो वह सीखा कर दे पढ़ाई, लेकिन इस कैंप में वह कला सीखने लग रही। आगे उन्होंने बताया कि इस कैंप में बालक अपना हुनर ने निखार सके हैं, अपनी संस्कृति के बारे में सीखे हैं, और कई बालका ने नूबेरा पाटेगा इस कैंप में भी मारे में के खूबी से। और जब बात करा सरकार की तो सरकार के इस कदम की जितनी तारीफ करी जाओ तो नहीं कम से। फिर इस बारे में बात करी हमने टब्बर उत्सव कार्यक्रम के सहायक कलाकार आशीष कुमार से। आशीष कुमार ने बताया कि सरकार बालका ने कती जमीन तक ठान लाग रही है। उनने बताया कि इसमें कला एवं सांस्कृतिक अधिकारी हृदय कौशल का एक विशेष योगदान से।
आशीष कुमार ने बताया कि हृदय कौशल का यो सपना था कि इस मोबाइल के युग में बड़का ने फोन तक कुकर दूर करा ताकि वह अपनी सभ्यता संस्कृति ने समझ सके, इसके कहानी आकर्षित हो सके। जय ते इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। सरकार ने कोई बहुत बढ़िया थोड़ा सा अटकी कदम उठाया है जिसमें बालक भी अपना खूब योगदान देने लग रहे हैं। बालका ने इसमें न्यारा मजा आने लग रहा है। इस कैंप ने लेकिन गाँव वाले का रुझान भी बहुत बढ़िया है। बालके नहीं इस गाँव वाले भी बहुत राजी है। गाँव वाले नु कहीं स्थाना कैंप तो टेम टू टेम सरकार ने लगा देना चाहिए क्योंकि इब तो ऐसा टेम आ गया बालक घर तक कौन लेकर दे, सारे दिन मोबाइल में बड़े रहे। स्कूल में तान दिए बालक फोन ठाले हैं, अगर गेम भी खेलना है तो ग्राउंड में कौन सा वो काम भी ये फोन में करें। ना किसी द्वारा उठना ना बैठना, और समाज में किसी छोटे बड़े द्वारा उठे बैठे ही नहीं गे तो फिर किस तरह समझेंगे, किस तरह इन हमारी संस्कृति के बारे में बेरा पटेगा। संस्कृति ने तो आजकल के बालक की भी समझ दे को उसने तो ये भूल भाल गए। लेकिन सरकार ने इसको बढ़िया काम कराया है, इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो बालक इसमें जरूर किमिन किमिन सीखेंगे। घर से भी लिखेंगे, कैंप में आओगे तो थोड़ी बहुत देर फोन से भी दूर रहेंगे। अगली खबर से हरियाणा के कोसली थे। कोसली में दो जने का आपस में झगड़ा हो गया और अरीब उसका एक वीडियो वायरल होने लग रहा है। दोनों पक्षों का नाली ने लेकर झगड़ा शुरू हुआ था जो थोड़ी सी देर पाछे खून खराब में बदल गया। लोग एक दूसरे ने कति जान तो मारने पर उतरे। इस झगड़ा में कई जने का चोट भी लगी है। झगड़ा में 6-7 जने घायल हो गए। वीडियो में नुक्कड़ नुक्कड़ दिखने लग रहा है किस तरह दोनों पक्ष एक दूसरे ने जान तो मारने हो रहे हैं। एक शख्स तो किसी तो डटा है कौन डटता, यो तो पुलिस के सामने दूसरे पक्ष वाले तेल काटने हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है कि भैया के कहानी थी, के बात थी, आगे इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया दिया इनने। अगली खबर से हरियाणा का यमुनानगर थे। यमुनानगर में तभी एक गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। तुमने बताया दिया यमुनानगर में 10-12 लोगों ने इट्टा एक दुकानदार पर हमला कर दिया। लोगों ने दुकान में कसूती तोड़फोड़ करी। बदमाशा ने दुकानदार के भी ईंट मारी और ईंट मार की दुकान में भी घना नुकसान कर दिया। यह सारी घटना दुकान में सीसीटीवी लग रहा था उसमें कैद होगी। इस घटना की सूचना दुकानदार ने पुलिस वाले को दी जिसके बाद में सीआईए की टीम ने मौके पर पहुंच की और उसका मुआयना कराया। फिलहाल सीआईए की टीम ने दुकानदार के बयान के आधार पर मामला दर्ज करके ने इसकी जांच शुरू कर दी। अगली खबर से हरियाणा के पानीपत है। पानीपत में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश में होंगे लेकिन पानीपत वाला खास है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भाग लेंगे। कार्यक्रम में मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। योग दिवस की तैयारियां ने लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कसूते कड़े इंतजाम कर रखे। पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम ने देखते हुए हमने सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम कर रखे हैं, एक इतनी भी कमी नहीं का। अगली खबर से हरियाणा के गुरुग्राम से। गुरुग्राम में आज फिर गोली चली। पतगामा चौकी दारू की दुकान पर बदमाशा ने 3 आदमियों पर गोली चलाई और तीनवा का गोली मार की ने बदमाश उड़ते भाग गई। इस फायरिंग में एक आदमी तो मर लिया और 2 घायल हो रहे हैं। गोली चलने का पुलिस ने बेरा पाट दी है। पुलिस मौके पर जा ली। मौके पर तो पुलिस ने सब अपने कब्जे में ले लिया और जो घायल थे वह अस्पताल में भर्ती कराए। पुलिस ने उड़े तो फायरिंग करने वाला एक तो पकड़ लिया है और जो भाग गए उनकी तलाश करने लग रही है।